हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज का जो दिन है वो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के लिए थोड़ा बुरा रहा। स्टॉक मार्केट ने तो इनफैक्ट रेड में शुरुआत की थी, बट धीरे धीरे वो वापस ग्रीन में चले गए। बट अगर हम लोग क्रिप्टो की बात करें तो ओवरऑल मार्केट जो है वो 2.5% डाउन है। ओके, बिटकॉइन जो है वो तुम देख सकते हो यहाँ पे 24 आवर्स का हाई उसका दाहे 30,423 डॉलर्स का था, बट करंट प्राइस 29,400 डॉलर्स है। सो 2.5% बिटकॉइन जो है वो नीचे है। ओके, अब बिटकॉइन नीचे क्यों है, उसकी दो वजह है। ओके, सबसे पहली वजह ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट DXY का, और ये हमेशा स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के उल्टा चलता है। सो इसमें बहुत ही बढ़िया डबल बॉटम था यार। ओके, सो अब इसको ज्यादा से ज्यादा यहां तक आना है और फिर रिजेक्ट होना है, तभी मार्केट पंप करेगी, नहीं तो फिर थोड़ा हम लोग बुरा टाइम देख सकते हैं। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन 25,000 डॉलर्स तक आएगा, प्रॉब्ली ये वो है जो खींच रहा है। ओके, सो इसीलिए हमें थोड़ा यहाँ सावधान रहना पड़ेगा। बिटकॉइन में बिल्कुल भी कोई भी लॉन्ग ट्रेड ओपन करने की अभी जगह नहीं है। तुम लोग अगर DCA कर रहे हो तो इट्स परफेक्टली फाइन, बट अगर ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो मैं कहूंगा कि थोड़ा ध्यान से। ट्रेड हम लोग ऑल्ट कॉइन्स में ले रहे हैं, वो भी टाइट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर बिटकॉइन नीचे आया तो मेरे भाई ऑल्ट कॉइन्स का तो क्या ही होगा, राइट? सो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सावधानी से। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन इज स्टिल गुड। हम लोग ज्यादा से ज्यादा 28,000 डॉलर तक आ सकते हैं। रेजिस्टेंस से ये अब जो सपोर्ट बन चुका है, सो इस सपोर्ट के पास आके बिटकॉइन जो है यहाँ से वापस रिवर्स करेगा और प्रॉब्ली हम लोग वापस 30-32 हजार डॉलर के ऊपर। बट एक चीज जो बहुत बहुत अच्छी की बिटकॉइन ने, हम लोगों ने वीकली कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर तुम देखोगे तो क्लोज कर दी है। अब हमें क्या करना है, वैसे थोड़ा अगर और ऊपर कर लो तो ये हम लोगों ने एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो वीकली कैंडल क्लोज की है। अब क्या करना है, सिर्फ कंफर्मेशन दे दो कि भैया ये सपोर्ट हो गया। जैसे ही तुमने 28,000 या 29,000 डॉलर्स को सपोर्ट बना दिया तो मेरे भाई तुम्हारे पास कोई जरूरत ही नहीं है फिर वापस नीचे आने की। ओके, इसीलिए हम लोग 15-16 हजार रुपए बोल रहे थे कि बाय करो, डॉलर कॉस्ट एवरेज करो। ओके, आई होप तुम लोगों ने किया। नहीं किया तो स्टिल तुम लेट नहीं हो, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम अपॉर्चुनिटीज मिस मत करो। ओके, उसके अलावा गैरी जो है भैया, गैरी गेंसलर, पहले तो उनकी बैंड बजाने पे लोग लगे क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा यार। अभी भी अगर तुम देखोगे तो बिटरेक्स के ऊपर इसने जो है वो केस डाल दिया और 6 टोकन्स को जो है वो सिक्योरिटी बोला जा रहा है। OMG, डैश, एल्गोरेंट, TKN, नागा और ये IHT टोकन्स। ओके, मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, एटलीस्ट OMG डैश मुझे पता है, पर लेकिन उसमें भी कुछ खास ऐसा डिप नहीं है जो हम लोग बिटकॉइन में एक रेड कैंडल देख रहे हैं, वही हम लोगों ने वहां पे भी देखी। ओके, बट ओवरऑल कोई खास बुरा नहीं हुआ उन टोकन्स के साथ, और इसीलिए अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव डेविडसन है वो कह रहे हैं कि यार इसको निकालो। सो ये वेला टाइम पास कर रहा है, सो इसको बाहर करो, एंड आई थिंक ये होना भी चाहिए। ओके, बट अगेन मार्केट में कोई खास मूव नहीं, क्रिप्टो में कोई खास मूव नहीं। कुछ टोकन जो बहुत बढ़िया रैली दिखा रहे हैं उसमें रेंडर टोकन जो 17% ऊपर है, 85-86 सेंट्स पे हम लोगों ने बाय किया था। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वीडियो देखो, 10 मिनट का वीडियो है सिर्फ। एवलॉन्च हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अच्छा प्रोजेक्ट है, बाय करो। इंजेक्टिव हम लोग $4 से बात कर रहे हैं। सो अगेन मैं वही कहूंगा कि अच्छे प्रोजेक्ट मिस मत किया करो, बट ऑल्ट कॉइन जो है वो बहुत बढ़िया रैली दिखा रहे हैं। चेन लिंक फाइनली हम लोग देखे तो $8 के ऊपर, ये टोकन बहुत बहुत जबरदस्त है। अकेला ओरेकल टोकन है जो मेरे भाई ऑलमोस्ट 96 प्रोजेक्ट्स में चल रहा है, 96% प्रोजेक्ट्स में। बिल्कुल भी इस टोकन को इग्नोर मत करना। ओके, कुछ टोकन जो न्यूज में है उनमें कार्डानो एक, जिसने जो है DZ, उसका जो स्टेबल टोकन है उसने मेजर माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया है। ओके, अगर तुम देखोगे तो अभी उस टोकन ने रिसेंटली जो है एक तो ऑल टाइम हाई लगा दिया है सर्कुलेशन में, ओवर 4.24 मिलियन पॉइंट्स जो है वो मिंट हो चुके हैं उस टोकन पे। ओके, बट इन सबका बाप जो है भैया वो USDT है। USDT ने 65% स्टेबल कॉइन्स की मार्केट खा ली है, तो मैं वही कहूंगा कि पैसा वहीं रखो अगर तुमको स्टेबल टोकन्स में रखना है तो। ओके, और कंट्रीज भी बहुत शानदार दिमाग लगा के शांति से सुमड़ी में क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भूटान की जो है एक सॉवरन इन्वेस्टमेंट आर्म जो है उसने क्वाइटली मतलब चुपचाप मिलियंस इन्वेस्ट कर दिए क्रिप्टो में। ये बहुत बहुत जबरदस्त है, मैं वही कह रहा हूँ। ये एट दी एंड ऑफ द डे तुम्हारा पूरा बिटकॉइन खरीदने की कोशिश करेंगे, सो मेक श्योर बाय करो, ऑफलाइन वॉलेट्स में रखो और इनसे बचा के रखो।
बीएनबी ने भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अब तुम देखो यार बीएनबी ओपन चेन है और उसके ऊपर टोकन डिप्लॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उन लोगों ने 191 अनट्रस्ट वर्दी डैप्स के जो है वो लिस्ट निकाली है। सो मेक श्योर अगर तुम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो भैया चुपचाप अपना पैसा बाहर निकाल लो। और वैसे ही काइबर स्वैप अगर तुम लोग यूज करते हो तो उन्होंने भी एक पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी अनाउंस की है, और वो वही बोल रहे हैं कि जितने भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उसमें से अपने पैसे विड्रॉ कर लो। सो अगर तुम्हारे पैसे वहां है सो मेक श्योर विड्रॉ करो, मेरे नहीं है सो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आज का जो वीडियो में वही कह रहा हूँ क्योंकि काफी शांत है लेकिन अच्छा टाइम है ऑल्ट कॉइन्स उठाने का। हम लोगों ने टीआरबी में एक ट्रेड हमारा चल रहा है। दूसरा मुझे जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है वो है कंपाउंड। कंपाउंड में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे फिलहाल कंपाउंड जो है वो अपने ऑल टाइम लोज पे चल रहा है। ऑल टाइम लोज का कुछ $30 था, फिलहाल वो $45 पे है, बट स्टिल बहुत बहुत अंडर वैल्यूड है ये प्रोजेक्ट। अब यहाँ मैं ट्रेड की सजेशन क्यों दे रहा हूँ, एक इसके जो फंडामेंटल्स है ना वो बहुत बहुत जबरदस्त है। अब जबरदस्त क्यों, तुम अगर कंपाउंड का जो टीवीएल देखोगे ना तो टीवीएल कंपाउंड का है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो वो $1.5 बिलियन है। सो यहाँ अगर तुम देखते हो, और उसका जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 310 मिलियन का है। सो 1.5 बिलियन डॉलर टीवीएल वाले का मार्केट कैप 310 मिलियन, यही अगर तुम यहाँ चेक करोगे डीफाई लामा पे तो वो 2 बिलियन के अराउंड है। सो मेरे भाई प्रोजेक्ट अपने टीवीएल से बहुत बहुत कम प्राइस पे चल रहा है। सो इसीलिए मैं कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एक अच्छा टाइम है, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। और टेक्निकली भी ये बहुत अच्छे जोन पे है, हम लोगों को इसको 45-56 के ऊपर ही पकड़ना है। स्टॉप लॉस एग्जैक्ट उसके नीचे रखना है, और हमारा टारगेट जो है वो दो टारगेट्स रहेंगे 63 और 94 के। मेक श्योर स्टॉप लॉस जो है वो एग्जैक्ट 43-44 डॉलर्स पे रखना ताकि तुम पैसे ना गवाओ, और हमारे जो टारगेट्स हैं वो ये रहेंगे। सो अगर मैं बोलूं तो मेरे भाई पहला मेरा टारगेट जो है वो यहाँ रहेगा और दूसरा मेरा टारगेट जो है वो यहाँ रहेगा। सो हम लोग यहाँ से 100% के ट्रेड के लिए जो है इस टोकन को बाय करेंगे, और ये ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं टीआरबी की बात करूँ तो उससे ज्यादा स्ट्रांग है ये। सो अगर तुम चाहो तो तुम टीआरबी का ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज भी कर सकते हो या प्रॉफिट में, और तुम इसमें ट्रेड ओपन कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बाय करूंगा क्योंकि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बट अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो अपनी रिसर्च जरूर करना। तो बाकी आई थिंक ओवरऑल बाकी सब सेट है यार, बिटकॉइन में छोटा सा डिप है बट वो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।